नमस्ते उदयपुर, मैं कृतिका शाह सीबीसी न्यूज राजस्थान में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि गणेश चतुर्थी चल रही है और हमने कहा था आपको कि हम डे बाय डे आपको एक एक दिन एक एक गणेश मंदिर लेकर के जाएंगे, तो आज हम एक और गणेश मंदिर आए हैं जो है दुधिया गणेश जी का मंदिर। अगर आप इस मंदिर में नहीं आए हैं तो जरूर आइएगा। चलिए हम जानते हैं मंदिर के बारे में और मंदिर के इतिहास के बारे में। आज गणेश चतुर्थी का दूसरा दिन है और हम आए हैं दुधिया गणेश जी के मंदिर। तो जैसा कि हम दुधिया गणेश जी के मंदिर आ गए हैं, तब हम आपको मंदिर में दिखाते हैं कि मंदिर में पूरी लाइटिंग वाइटिंग लग चुकी है, गणेश चतुर्थी की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है अच्छी तरह से। अगर बात करें मंदिर के इतिहास के बारे में, तो इस मंदिर को महाराणा सज्जन सिंह जी ने बनवाया था। कहते हैं कि गणेश चतुर्थी के समय उनका पूरा परिवार यहाँ आता था और यहाँ पूरी जगह पर मंदिरों को लाइटों से दियों से सजाता था और लोगों को मिठाई बांटता था। इस मंदिर का निर्माण सज्जनगढ़ से बनने से पहले का है। जैसा कि हमारे सामने है मंदिर के पुजारी जी, हम इनसे बात करते हैं और मंदिर के इतिहास के बारे में इनसे पूछते हैं। जी आपका नाम? राधेश्याम सुखवाल जी। आप यहाँ पर कितने साल से काम कर रहे हैं? ये मेरी पीढ़ी 3 पीढ़ी हो गई है। पहले दादाजी प्रताप लाल जी करते थे, उसके बाद मिंदर लाल जी सुखवाल करते, अब मैं कर रहा हूँ 3 पीढ़ी। तो आपको मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ पता है कि कब से क्या है, तो हमको बता दीजिए। हाँ, ये 500 साल पुराना है। ये दुधिया गणेश जी नाम का है। यहाँ पे क्या, पहले गाँव वाले आके दूध चढ़ाते थे, इसलिए इनका नाम दुधिया गणेश जी पड़ा है। सुना है कि इस मंदिर का महाराणा सज्जन सिंह जी से भी कुछ रिश्ता है, तो आपको इस बारे में कुछ पता है? पहले सज्जन सिंह ने गणपति स्थापना की थी यहाँ, फिर सज्जनगढ़ की स्थापना हुई थी, इसलिए इनको। तो गणेश चतुर्थी पर मंदिर में कैसा माहौल रहता है? बहुत बड़ी भीड़ रहती है, भक्त बहुत आते हैं, भगवान की आस्था है उनके लिए, मनोकामना पूरी होती है। और रोजाना यहाँ पर कितने लोगों की संख्या में लोग आते हैं? 100-150 लोग आते हैं रोज। हाँ, ये दुधिया गणेश जी मंदिर के पास में हनुमान जी विराजमान है, भोलेनाथ विराज है, पीपल माता तुलसा जी सब विराजमान है, इनकी सबकी सेवा होती है दिन भर, सुबह शाम दोनों टाइम भक्त आते हैं, सेवा करते हैं और उनकी इच्छा मनोकामना पूरी होती है। और ये हनुमान जी का मंदिर कितने साल पुराना है? ये करीब है 300 साल पुराना। और ये सब चीज़ें भी अभी बनी है मंदिर की? नहीं, ये पहले भी थी। यूँ ये भी पुरानी ही है साल से। यूँ पहले गजानन जी का मंदिर था, फिर हनुमान जी का स्थापित हुआ, फिर भोलेनाथ उसके साथ ही स्थापित हुए हैं। ठीक है, तो अभी गणेश चतुर्थी की पूरी तैयारियां हो चुकी है इधर। जैसे कि गणेश चतुर्थी पर जो भी प्रोग्राम रहता है, तो उसमें क्या क्या होता है, यहाँ पर क्या क्या करते हैं, मुझे बताइए। पहले भजन संध्या होती थी, अब शॉर्टकट भजन संध्या रखी है, नृत्य वितरण कार्यक्रम रखा है और भक्तों के लिए जल व्यवस्था रखी है, ये व्यवस्था रखी है सब। तो मतलब अभी ये आप कह रहे हैं ना भजन संध्या शॉर्टकट कर दी, तो शॉर्टकट करने का रीजन क्या है? कि कोरोना के कारण 2 साल हो गए, इस साल लोगों के पास पेमेंट नहीं है, इसलिए शॉर्टकट कर दिए उसको। यूं होती तो है ना भजन संध्या? हाँ, भजन संध्या होती है। तो शॉर्टकट में कैसे क्या होता है मतलब? लेकिन पहले बड़े बड़े कलाकार आते हैं, अब छोटे घर के कलाकार ही सही, कहने का मतलब छोटे मोटे लोग थोड़े बहुत मिलके कर लेते हैं, वो कर लेंगे। तो हम बात कर रहे हैं मंदिर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष जी से। जी आपका नाम? मेरा नाम मुखालाल सेन है और पप्पू सेन, मैं दुधिया गणेश जी का उपाध्यक्ष हूँ। और दुधिया गणेश व्यापार मंडल के अपन 1100 रुपये पर मेम्बर दुकान से लेके प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी हमारा भारी भविष्य संध्या करने का मामला था, लेकिन कोरोना काल से हमने अभी इस साल उन्हें स्थगित रखा है और अगले साल से हम वापस निवेदन करेंगे पब्लिक से कि अगले साल से हम प्रोग्राम करेंगे। और हमारा ये प्रोग्राम भी छोटा सा ही रखा है, खाली 5 क्विंटल नुक्ति का वितरण होगा और आंगी हो गई है और प्रसाद चालू हो जाएगा सुबह कल 11 बजे से। और सभी जनताओं के लिए अपने निवेदन है कि प्रसाद लेकर पधारे बस। अभी कितने लोग आएंगे इस प्रोग्राम में आप? अभी तो पूरे व्यापार मंडल के सारे लोग आएंगे और इसके अलावा दूसरे लोग? दूसरे लोग भी आएंगे, 10,000 पब्लिक आएंगे। 10,000 पब्लिक आएगी, ठीक है। और आपको मंदिर के इतिहास के बारे में कब से क्या कुछ पता है क्या? ये इतिहास तो हमने परदादा बात करते आए हैं कि भाई सज्जन सिंह जी के टाइम से मंदिर है ये। सज्जनगढ़ जब निर्माण हुआ था उसके पहले यहाँ पे निर्माकरण हुई, उसके बाद सज्जनगढ़ की निर्माकरण कराई उन्होंने, उसके बाद तो हमने, हमारे को ध्यान तो नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी पूर्वज लोग बात करते हैं हमारे कि ये बात है कि भाई हमारा मंदिर के बारे में ये सोचा था, हमको क्या गया इसलिए हम बोल रहे हैं। जी आपका नाम? दयालाल सुथार। आप मंदिर में कब से आ रहे हैं? करीब 35 या 40 साल हो गए।
गणेश चतुर्थी के दौरान मंदिर में क्या माहौल रहता है? गणेश चतुर्थी पे तो अच्छा माहौल रहता है, इस बार थोड़ा कम है, बाकी तो करीब 5 साल से अच्छा माहौल रहता है। इस बार कम का रीजन? ये लॉकडाउन की वजह से। अब तो लॉकडाउन पहले था, अब तो अभी भी लॉकडाउन ही चल रहा है ना, एक तरह से घर की नहीं है तो लॉकडाउन ही चल रहा है, उस वजह से चंदा नहीं आ पाया तो प्रोग्राम नहीं कर पाए। ठीक है, फिर भी आप लोग तो धूमधाम से करेंगे ना कार्यक्रम को? हम तो धूमधाम से करेंगे। ठीक है जी, आपका नाम? संजय मीणा। आप कब से आ रहे हैं मंदिर में? 20-25 साल हो गए यार। तो अभी गणेश चतुर्थी पर कैसा क्या माहौल है, आप क्या कहेंगे इस बार? अभी तो ये लॉकडाउन की वजह से एसोसिएशन में वो ये चंदा जो भी आता है, ये लॉकडाउन की वजह से पैसा भी अभी लोगों के पास कम हो गया, इसकी वजह से वैसे ही, हालांकि वैसे तो करेंगे, हर साल ही करते आ रहे हैं, भजन संध्या रखेंगे और अभी जैसा भव्य आयोजन लिए है, वैसे प्रसाद वरसाद वितरण हिसाब प्रोग्राम करेंगे। ठीक है जी, आपका नाम? पंकज सवाल का। आप कब से आ रहे मंदिर में? 18-20 साल हो गए मेरे को भी। तो आपको मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ पता है? जैसे मंदिर के ये प्राचीन है, ऐतिहासिक है और हर साल हमारे भव्य प्रोग्राम होता है और साउंड भी लाते हैं, गायक भी लाते हैं, खाना भी खिलाते हैं, शाम को 4 बजे तक, सुबह 4 बजे तक प्रोग्राम होता है, अच्छा भव्य प्रोग्राम होता है। इस साल हम नहीं कर पाए, अगले साल हम करेंगे और अच्छा करेंगे। ये थे दुधिया गणेश जी का मंदिर। अब ऐसे ही हम आपको रोजाना एक नए गणेश मंदिर के दर्शन करवाएंगे, तो आप अगले मंदिर के लिए अब रेडी रहिएगा। थैंक यू।